रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक माय चैनल सीवरिया ब्यूटी सीक्रेट आइडियाज़ में। सो गाइस, आज की इस वीडियो में फिर से आप लोगों के लिए पोटैटो इफेक्ट्स एंड बेनिफिट्स फॉर स्किन और मोस्ट इफेक्टिव एंड बेस्ट रेमेडीज जो हैं आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ लेकर आई हूँ। फोर डिफरेंट रेमेडीज बल्कि फाइव हैं, जिसमें आप लोगों को सोप भी, आप लोगों ने रेमे जो है फेस मास्क, टोनर एंड क्लींजर आलू का सुना ही होगा, लेकिन आज की इस वीडियो में आप लोगों को सोप का तरीका भी बताऊंगी, आप किस तरीके से पोटैटो सोप घर में बना सकते हैं जो आप लोगों की फुल बॉडी वाइटनिंग एंड ग्लोइंग के लिए बेस्ट है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि आप लोग जो कि एंटी एक्ने स्किन के लिए आलू को किस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों ने आलू को स्लाइसेस में कट कर से ग्राइंडर में ग्राइंड कर उसका जो पेस्ट है वो आप लोगों ने ले लेना है। सबसे पहले तो आप चाहे आप जूस अलग कर लें निकाल के थोड़ा सा टोनर के लिए, या उसी में रहने दें अगर आप लोगों को उसका टोनर यूज़ करना है। एंटी इचिंग स्किन के लिए जो मास्क है आप लोगों ने पोटैटो का वो थोड़ा सा पेस्ट ले लेना है, और उसमें आप लोगों ने 1 टेबल स्पून जो है हनी ऐड कर देनी है। आप लोगों ने देख लेना आप लोगों के फेस के हिसाब से, उसको अच्छे से मिक्स करके आप लोगों ने फेस पर लगाना है। आप लोगों के फेस पर जो भी इचिंग वगैरह है वो ख़त्म हो जाएगी। आप लोग ये वीक में 2 से 3 दफ़ा कर सकते हैं। और दूसरा जो है आप लोगों की स्किन के डार्क सर्कल्स के लिए है, सेम यही कि जो आप लोगों ने मैंने आप लोगों का छानने के बाद आपके पास जूस निकलाएगा तो आप लोगों ने इसमें कॉटन्स की बॉल्स बना के डाल देनी है, और उसे अपनी या जो आप लोगों को टिश्यूज स्टफ़ में अंडर आइज़ के लिए डार्क सर्कल्स के लिए जो टिश्यूज़ मिलते हैं वो डीप कर आप लोगों ने अंडर आइज़ पर रख लेने, उससे आप लोगों के डार्क सर्कल्स रिमूव हो जाएंगे। और सोप की बात आती है तो आप लोगों ने सेम यही जो कि जिस तरह से आप लोगों ने कट किया है उस तरह से स्लाइसेस में आप लोगों ने कट करने के बाद कोई भी सोप जो आप यूज़ करते हैं आप लोगों ने उसको थोड़ा सा स्लाइसेस उसके कट कर लेने हैं, थोड़ा थोड़ा किसी भी नाइफ से या कटर से उसके कट करने के बाद आप लोगों ने उस एक छोटा मिनी आलू में आलू के स्लाइस में आप लोगों ने वो डालकर ग्राइंड कर लेना अच्छी तरह। थोड़ा सा रोज़ वाटर ऐड कर लीजिएगा, और उसके बाद बहुत ज़्यादा नहीं करना, बिल्कुल थोड़ा सा करना है, और उसके बाद अच्छे इस तरह उसको ग्राइंड कर लेना। उसके बाद किसी भी आप लोग उसके बॉक्स में या ऐसे ही आप लोग उसे सोप की शेप देकर उसे थोड़ा सा स्टे दे दें ताकि वो जम जाए और वो आप लोगों का सोप तैयार हो जाएगा। फुल बॉडी वाइटनिंग सोप है और ग्लोइंग, आप लोग ये घर में बना सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप लोग जो है अपनी स्किन के ग्लोइंग के लिए और ब्राइटनेस के लिए आप लोगों ने करना क्या है, इसी तरह आप लोगों ने थोड़ा सा पेस्ट ले लेना है। 1 टेबल स्पून आलू का जो पेस्ट है वो ले लेना है, उसमें आप लोगों ने थोड़ा सा हनी ऐड कर लेना है और 1/2 लेमन जूस ऐड कर उसे अपने फेस पर अप्लाई करना है। उसके बाद आपने 15 मिनट के बाद आप लोगों ने इसे वॉश कर लेना है, क्लीन कर लेना है, फिर आप देखेंगे खुद अपनी स्किन पर कितना खूबसूरत सा एक ब्राइट एंड वाइटिंग आ जाएगी। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा एंड बेल आइकॉन के बटन को दबाना भी मत भूलिएगा, इससे आप लोगों को हर न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन अपडेट्स एंड न्यू आइडियाज़ मिलते रहेंगे।